क्या आपका भी पढ़ते वक्त ध्यान भटकता है? क्या आप भी पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाते हो? तो ये वीडियो आपके लिए है। आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स एवरेज होते हैं और लगभग हर एवरेज स्टूडेंट्स का पढ़ते वक्त ध्यान भटकता है। तो अब सवाल ये आता है कि ऐसे में करें तो करें क्या? जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारे सामने कई बार इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि या तो हमारा ध्यान मोबाइल में चला जाता है या फिर किसी और चीज़ में, और फिर हम चाहकर भी उस सिचुएशन से निकल नहीं पाते हैं। दोस्तों, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और पढ़ते वक्त कई बार मेरा भी ध्यान भटक जाता है। तब मैंने सोचा कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है। फिर मुझे जवाब मिला और आप सबके साथ शेयर करने का मन किया, तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ध्यान से सुनना मैं जो आप कहने वाला हूँ। जब भी आपके साथ इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है, उस टाइम पर आपको अपने आप से दो क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन कि अभी इस मोमेंट पर मैं क्या कर सकता हूँ, और दूसरा क्वेश्चन जो अपने आप से पूछना है वो है कि अभी इस कंडीशन में मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। जरा पूछो अपने आप से कि अभी इसी वक्त मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। तो आपका जो पढ़ाई से ध्यान हटा था वो तुरंत पढ़ाई पर आ जाएगा, क्योंकि आपका माइंड आपको सिग्नल देगा कि अभी इस मोमेंट पर आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी पढ़ाई। और एक और जो क्वेश्चन था कि मैं अभी क्या कर सकता हूँ, जैसे ही पढ़ाई से ध्यान हटे, मोबाइल पर ध्यान जाए, तो अपने आप से क्वेश्चन करना कि मैं अभी क्या कर सकता हूँ। तो आपको तुरंत जवाब मिलेगा। आपके सामने जो नोटबुक पड़ी हुई है उसमें जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है वो मैं कर सकता हूँ, और यही आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट भी है। और एक और क्वेश्चन जो अपने आप से कर ही लेना कि पढ़ते वक्त अगर ध्यान भटकता है, आप किसी और चीज़ में लग जाते हो, तो क्या वो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है? क्या वो चीज़ आपको करना भी चाहिए या फिर ऐसे ही कर रहे हो? दोस्तों, ये वीडियो बहुत छोटा है, लेकिन इस वीडियो में कई कई बातों से कईयों की ज़िंदगी बदल सकती है। इसलिए इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें ये प्रॉब्लम होती है। और दोस्तों, अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। हो सकता है किसी वीडियो में मैं आपकी कमेंट शेयर कर दूं और उसका जवाब दे दूं। ऐसे और भी वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दबाइए बेल आइकन को। जय हिंद, जय भारत।